आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं इसरार अहमद, इसे मौजूद हूं आलापुर तहसील क्षेत्र के न्यूरी ग्राम पंचायत में। यहां पर कुछ ग्रामीण इकट्ठा हैं और उनसे जानकारी लेते हैं विकास के क्षेत्र में आखिर यहां पर क्या विकास हुआ है और क्या उनको आवास मिला, शौचालय मिला या जो भी योजनाएं हैं सरकार की, वो दी गई कि नहीं दी गई है। ये डायरेक्ट जो है सीधे जो है ग्रामीणों से बात करते हैं कि आखिर उनको अभी तक क्या समस्या है। कैसे पारे बेच के बनौले पस्त घर हो गया। क्या नाम है आपका चाची? क्या नाम है आपका? बुधना। कोनो चीज ना हमें मिला, खाली सरकार का पैसा दुधाए से मिला। क्या कौन सा पैसा मिला? पेंशन मिल रही है और कुछ एक पैसा ना। आवास वास मिला है? कुछ ना है। कम मकान है आपका? कुछ ना मिला। एक कहना है क्या कि खेत बाड़ी बेच के वह घर बनौली है तो उन्होंने क्यों ना सहारा है, खाली अकेले जो है बिटिया दमादर दुचार। और ये ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं आखिर क्या क्या सुविधाएं उनको मिली हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश नाम है। तो अभी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं अभी क्या आपको कुछ उसका लाभ मिला है? कुछ नहीं, कहाँ लाभ मिला, कुछ नहीं मिला है। करने के लिए पैसा लाने अब जो कर बना कहीं नहीं अभी तक ले। किसको पैसा आपने दिया है? वो दिलवाए थे ग्राम सेवक और सब दिलवाए थे। क्या नाम है ग्राम सेवक का? जोगेश नाम है। किसको दिलवाए थे? अब पता नहीं क्योंकि दिलवाना सामने आएंगे तो उसको बताएंगे। नहीं, आपने पैसा दिया है अगर आवास के लिए, कितना पैसा दिया आपने? 4000 दे। किसको दिए हैं? दिलवाए थे किसको ये नहीं बता सकते क्योंकि आएंगे सामने तब बताएंगे। कौन सा गाँव? नेवरी। एक वीडियो वायरल हो रहा है, कोई पैसा हो सकता लेन देन, किसको पैसा आप दिए? अपने ग्राम सेवक को दिए थे। क्या नाम है? जोगेश नाम है। कितना पैसा दिया? 4000 रुपया। ग्राम सेवक दिलवाले में पैसा आवास के लिए मिला आपको? नहीं, आवास नहीं मिला। कितना दिन हो गया पैसा दिए हुए? लगभग फरवरी, यही महीना था, साल भर हो गया। पिछले साल? पिछले साल। क्या चाहते हो? आवास चाहते हो जी? इसकी शिकायत आपने किसी से किया? किसी से कहा? किसी से नहीं किया। पैसा आप देकर? हाँ, सेक्रेटरी साहब से कहे थे। क्या कह रहे थे? तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? मिल जाएगा, अभी कार्रवाई चल रही है बस। आप ग्राम सभा के प्रधान हैं और यहाँ पे तमाम जनता इकट्ठा हुई है। प्रधान जी, क्या है मामला पूरी? मामला ये है भैया, हम ग्राम सभा नेवरी के प्रधान है, मोहम्मद अब्दुल फारूकी नाम है मेरा। यहाँ सेक्रेटरी साहब आते नहीं है, दलालों के माध्यम से ये पैसा लेकर के कॉलोनी का लेकर के गए और आज एक साल हो गया नहीं दिए। कई बार मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा भी कि जिन लोगों का पैसा गरीब के लिए है वो सब सुधई पर पैसा लिए हैं, उनका पैसा वापस कर दीजिए। तो कह रहे थे कि ये अब कल एक हफ्ते में आ जाएगा, दो हफ्ते में आ जाएगा, यही करके टाल रहे हैं वो बार बार, और आज तक पैसा किसी का वापस नहीं किया। लगभग कितने लोगों का पैसा दिया गया है? कम से कम यहाँ यहाँ 11-12 लोगों का पैसा गया है जो मेरे नॉलेज में है। डायरेक्ट सेक्रेटरी साहब ने ही लिया, कोई और अदर पर्सन दिया है? मैंने सेक्रेटरी साहब खुद आकर के और किसी से उसलवाए, इसकी जानकारी बाद में जब हुई तो सबसे पूछे, जब उनसे सेक्रेटरी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम का नाम है मुख्यमंत्री आवास आया है उसी में हम सबको दिलवा देंगे। और यहां पे मतलब जानकारी है कि मतलब आपकी जनता जो है किसको पैसा दी है, किसके हाथ में पैसा दी है? सेक्रेटरी साहब लिए, ये आप कह रहे हैं जी? अगर सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं कि हमने पैसा नहीं लिया है तो हम अपनी खतौनी बेच करके हम भर देंगे सबको। लेकिन आपकी जनता कह रही है कि हमने रोजगार सेवक को पैसा दिया है। रोजगार सेवक एक माध्यम बनाया गया है, डायरेक्ट सेक्रेटरी साहब अपने हाथ में पैसा लिए हैं। जब आपके आप समझ रहे हैं कि बगैर पैसे का भी काम होता है, फिर आप जब आपके नॉलेज में था फिर? नहीं, नॉलेज में नहीं, पैसा लेने के बाद हमारे नॉलेज में बात आई। क्योंकि जब भी कोई योजना कुछ भी होती है तो ग्राम जो गांव के लोग होते हैं वो सबसे पहले ग्राम प्रधान से ही मिलते हैं जी। लेकिन इसमें मामला कॉलोनी का था, सेक्रेटरी साहब डायरेक्ट खुद लिए हैं और इसमें हमको बाद में पता चला कि इन्होंने इतने इतने लोगों से पैसा लिया है, तो हम सारे लोगों की लिस्ट बनवा करके मैं अपने पास रखा। उसके बाद सेक्रेटरी साहब से मैंने कहा कि इनका आवास दिलवा दीजिए, गरीब आदमी है, सुधे ही पैसा लेकर के दे रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे थे कि एक हफ्ता में आ जाए। क्या नाम है आपका? मानीपति नाम है। क्या समस्या है आप लोगों की? नरेगा ना मिला था न हमारे लोगों के कॉलोनी सलोनी ने अट्टा पट्टा कोनो चीज ना मिलल। प्रधान जी एक शौचालय डाले हुए घबाए
और हमारी जिंदगी बीत गया, हमारे सास ससुर के बीत गए, लिहाजा पुरखा बीत गए, केहू को ना मिले। और लोग भी यहाँ पे हैं, क्या नाम है आपका? शारदा। क्या समस्या है? समस्या ये द्वारे गड्ढा है और नरेगा खट ले पैसा ना बहना है। कितना दिन से बाकी है आपका? अरे 2 महीना तो हो ही गया है, तीसरा महीना। सभी लोग काम करते हैं उसी में? हाँ, 20-25 महीना ही है, मेहरारू खाली। हाँ, 20-25 महीना ही मेहरारू खाली। 40 आदमी है खटले। अरे 24 दिहाड़ी, 24 आपको मिला है? नहीं साहब, हम जो है उषा देवी, हमारा जो है साल 2 साल से हम मेट में है। एक क्या नाम है आपका? आवास मिला है आपको? आपने कहीं प्रधान जी से या कहीं कहे थे कि हाँ मुझे आवास चाहिए, या आप कहीं सूची में नाम? हाँ, आवास के लिए कहन, घबराइए आ जाएगा। आपका मकान यही है? हमारा सारा है। और कहाँ रहते हो? यहीं पे रहते हो? यहीं रहते हैं, उस मड़ई में रहते हैं। इसमें कौन कौन लोग हैं आपके पास परिवार में? हमारे एक लड़की है, दोनों परिवार है। एक लड़की और दो बच्चे भी हैं बड़े? कोई नहीं। तो क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। आवास नहीं मिला? और कोई लाभ मिला है? और कोई लाभ नहीं। गैस सिलेंडर भी यहाँ दिख रहा है, उज्ज्वला का मिला है क्या? फ्री वाला मिला है। तो राशन कार्ड भी नहीं हमारे पास है। राशन कार्ड भी नहीं है? नहीं। तो इसके लिए आप कहीं कहे, किसी से कहे? हाँ, कहे थे। तो आवास के लिए आपसे पैसा भी मांगा गया था या नहीं? पैसे नहीं मांगा था, हम भाई झूठ नहीं बोलेंगे। मांगा तो रहा ना, लेकिन तो कहानी हमारे ना पैसा कहाँ से दे। कौन लोग मांग रहे थे? कौन? नरेश वो पागल है।